वेलकम, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानपुर बॉयज। तो दोस्तों आज हम आए हैं कानपुर के चिड़ियाघर और यहाँ का वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड पे बेल आइकन का भी बटन है उसको प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन लिंक आप तक पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। कुछ इस तरह का चिड़ियाघर का ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे जाके आप टिकट कटा सकते हैं। और इसके पहले आपको बता दें कि यहाँ पे पॉलीथीन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, पॉलीथीन में कोई भी सामान लाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आप पानी की बोतल वगैरह ला रहे हो तो वो भी मत लाइएगा, अंदर जाके वो सब मिल जाएगा। और यहाँ पे बता दें कि जो टिकट का चार्ज है वो सिर्फ 50 रुपये पर अडल्ट है, बच्चों के लिए 5 साल से 12 साल के लिए हाफ है और 5 साल से छोटे के लिए फ्री है। और आप अगर अडल्ट हैं तो आपके लिए सिर्फ 50 रुपये चार्ज है। तो यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए पार्किंग फीस देकर आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। हमने टिकट कटा लिया है और अभी हम 2 नंबर गेट से इंटर हुए हैं यहाँ चिड़ियाघर में। तो अभी यहाँ का जो सीन है तो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं इनसे हम ऊपर जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि जो ऊपर जाने पे व्यू आता है तो वो कैसा आ रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये चिड़ियाघर का मैप है और आप इस मैप से देखकर यहाँ पे घूम सकते हैं। और ये यहाँ पे जितने भी आपको सुविधाएं मिलने वाली हैं, जितनी भी चीज़ देखने वाली को मिलने वाली है, उन सबकी लिस्ट है। दोस्तों अभी हम हैं पक्षी घर में और यहाँ पे आपको बहुत सारे पक्षी देखने को मिलेंगे। काफ़ी अलग अलग प्रकार के पक्षी यहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं, शायद जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के पक्षी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सारस और सारस वगैरह हो गए जैसे कि, और बगुले वगैरह, और काफ़ी ऐसे पक्षी हैं जो सारस के टाइप के होते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पक्षी देखे और देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको पक्षी देखने को मिलेंगे और आगे चलने पे हम देखते हैं वही देखने को क्या मिलता है। तो दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये एक डायनासोर है जो कि इसका स्टैचू बना हुआ है। काफ़ी बड़ा स्टैचू है ये यहां पे, और ये आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा दो जगह इसका स्टैचू बना है। एक आगे वीडियो में आपको और देखने को मिलेगा।
पर्वतीय भालू जिसको हम लोग काला भालू भी बोलते हैं, ये हिमालय से लेकर असम तक पाया जाता है और ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी पाया जाता है, जैसा कि चीन, जापान और अफगानिस्तान। इसी के बगल में आपको खाने पीने के लिए एक कैंटीन भी है जहाँ पे आप कुछ भी खा पी सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको खाने पीने को मिल जाती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे टाइगर भी देखने को मिल जाता है जिसको हिंदी में हम लोग चीता बोलते हैं। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि वो अभी सोने में लगा है। और आगे चलने पे हमको ये दरियाई घोड़ा भी देखने को मिला जो कि एक शाकाहारी जानवर है और इसका जो वजन है वो 15 क्विंटल से 18 क्विंटल के बीच होता है और ये अफ्रीका के झीलों में पाया जाता है। दोस्तों ये है जेब्रा और ये अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है और इसका वजन जो होता है वो 2 से 3 क्विंटल के बीच में होता है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये है कानपुर की चिड़ियाघर की शान जिसको बोलते हैं बब्बर शेर और इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहने वाला पक्षी जिसको बोलते हैं एमू और इसका जो वजन है वो 100 पाउंड के आसपास होता है। तो दोस्तों ये है तालाबों में पाए जाने वाले कछुए जो कि हमारे ही देश में पाए जाते हैं और इनको आप यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है सरीसृप ग्रह, यहाँ पर आपको बहुत से सारे सांप देखने को मिल सकते हैं।
सरिसृप ग्रह के ठीक बगल में वहाँ पे आपको मगरमच्छ देखने को मिल सकते हैं, जो काफी संख्या में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे काफी संख्या में हिरण देखने को मिल जाएंगे जो कि अलग अलग प्रजातियों के हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई पार्क भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाई आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इसके बाद हम पहुँचते हैं रात्रिचर जीव ग्रह। यहाँ पे आपको लोमड़ी और उल्लू और चूहे की आकृति के काफ़ी जीव आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे अंधेरे टाइप की एक गुफा है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम यहाँ पे लोमड़ी वगैरह और उल्लू वगैरह और जो अंधेरे में रहने वाले जीव हैं वो देखकर आ गए हैं। दोस्तों ये है दूसरा डायनासोर का स्टैचू, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक स्टैचू आपको और देखने को मिलेगा। तो ये एक स्टैचू यहाँ पे भी बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्टैचू है। ये मैंने काफ़ी दूर से वीडियो लिया है, इसके लिए इतना बड़ा दिख रहा है। अगर आप इसको पास से देखते हैं तो ये बहुत ही बड़ा दिखता है और भारी भरकम दिखता है। नाम है लकड़बग्घा, जो कि संपूर्ण भारत में पाया जाता है और उत्तर पश्चिमी एशिया में भी पाया जाता है और ये अफ्रीका में भी पाया जाता है। और ये बहुत ही डरपोक किस्म का जानवर होता है। इसका वजन 35 से 40 किलो के बीच में होता है और ये बहुत ही डरपोक और लड़ाकू किस्म का
जानवर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस जानवर का नाम है गैड़ा और ये भारत के उत्तरी क्षेत्रों और नेपाल के दक्षिणी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वजन 1.3 टन से 2.2 टन तक होता है। यह एक शाकाहारी जानवर है और ये घास वगैरह ही खाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे तेंदुए भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि लोग कहते हैं कि चीता भी तेंदुए की ही प्रजाति है। तो यहाँ पे मुझे 3-4 तेंदुए देखने को मिले। इस जानवर का नाम है गोरल। ये हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है और ये एक शाकाहारी जानवर है। इसका वजन 25 से 40 किलोग्राम के आसपास होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और बने रहिए मेरे चैनल पे। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।